हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। माय सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएल जयपुर। और गाइस, अब अपन आए हमारे नेक्स्ट वीडियो, दैट इज डब्ल्यूबीसी। देखो यार, आरबीसी अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, बहुत सारी चीजें सीखी, मतलब मजा आ गया, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली क्या है, क्या पढ़ना होता है, क्या होते क्या है डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। तो जीरो से स्टार्ट करके नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेकर के जाएंगे। देखो यार, सीधी सी बात है, देखो बॉडी के पास एक ना स्पेशल सिस्टम है अपने, जो बॉडी में इन्फेक्शन आ रहे हैं, टॉक्सिक एजेंट्स आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यार एक आर्मी होनी चाहिए बॉडी के अंदर, तो उसके लिए अपने पास एक सिस्टम है, और ये सिस्टम में डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी कुछ सेल्स बनाते हैं लाइक एंटीबॉडीज, तो वो सब चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डब्ल्यूबीसी है क्या। ये डब्ल्यूबीसी सब मिल करके, ये सारे ल्यूकोसाइट्स मिल करके, ये एंटीबॉडीज मिल करके दो काम कर सकती है, ठीक है। या तो वो खुद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे बाय फेगोसाइटोसिस, जो कि डब्ल्यूबीसी करते हैं, जो ग्रेनुलोसाइट्स करते हैं, ठीक है। या वो एंटीबॉडीज बनाए जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, जो कि लिम्फोसाइट्स करते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में सर फर्क है, फर्क है। देखो यार, अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि क्या फर्क है, ठीक है ना। अपन बेसिक्स काफी स्ट्रांग होंगे तभी आपको चीजें आगे जाके समझ में आ जाएगी, वरना यार एमबीबीएस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यार आप फाइनली करके आ रहे हो हर इंसान की, या तो इम्यूनिटी बढ़ा रहे हो वैक्सीनेशन से, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या इंसान लड़, मतलब इंसान की इम्यूनिटी कम हो गई तो वो उसकी वजह से डिसीज हुई, तो वो डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेप्ट। तो डब्ल्यूबीसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ब्लड ऑफकोर्स है, पूरी बॉडी में ब्लड चल रहा है। तो क्या है ये डब्ल्यूबीसी, इसको और अच्छे से अपन देखते हैं। देखो यार, जो डब्ल्यूबीसी है वो एक्चुअली है, मैं सिंपल और बहुत इजी लैंग्वेज में कहूँ ना, तो मोबाइल यूनिट्स ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम। मतलब ये वो चीज़ है जो मूव कर रही है अपनी पूरी बॉडी में, जिससे अपना मतलब बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम या इम्यून सिस्टम बना रहे, ठीक है। यार ये कहीं भी बनती, जनरली कहीं भी नहीं बनती, हर जगह तो नहीं बनती, जैसे कि बोन मैरो में बनती है, लिम्फ टिश्यू में बनती है, तो वहां से ये बनती है, ब्लड के अंदर आती है, और ब्लड से वो मतलब ट्रैवल करती है जहां पे भी इन्फेक्शन है। तो इतनी सी बात है। अगर कंसंट्रेशन की अपन बात करें, तो कंसंट्रेशन यार अप्रोक्स मानते कि 7000 पर माइक्रोलीटर, 7000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर रहता है, ठीक है। या अगर वैसे जनरली अपन अप्रोक्स में कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमेशा अपन को रेंज देनी होती है, तो 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर अपना ये रहेगा। अगर मान लो यार किसी भी केस के अंदर अगर ये जो डब्ल्यूबीसी है बढ़ जाता है, इसे कहते हैं ल्यूको साइटोसिस। भाई डब्ल्यूबीसी बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, जहां भी अपन ये लिखेंगे ना, टॉसिस, साइटोसिस, साइटोसिस मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, और एक वर्ड होता है ल्यूकोपीनिया, ठीक है। जहां भी अपन पीनिया लिखेंगे ना, मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब ल्यूकोपीनिया मतलब डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। तो किन किन कंडीशन में बढ़ता है, किन किन कंडीशन में कम होता है, वो देख लेते हैं। यार सीधी सी बात है, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब ये है कि भाई 11000 से अगर ज्यादा हो जाएंगे अपने डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये कब कब देखने को मिलता है, एक तो यार न्यूबॉर्न में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनरली आपको इवनिंग के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, इवनिंग के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज करते तब बढ़ता है, स्ट्रेस में अपना ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, और कुछ हॉर्मोन्स है जिनकी वजह से भी ल्यूकोसाइटोसिस होता है, लाइक अगर अपन एपिनेफ्रिन डाल रहे, नॉरएपिनेफ्रिन डाल रहे, ये स्टेरॉइड्स ले रहे, ठीक है ना, उसकी वजह से भी ल्यूकोसाइटोसिस होता है। और प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, ये कुछ टाइम इंटरवल से, ये कुछ जब ये प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन होता है, जब भी ल्यूकोसाइटोसिस रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, सीधी सी बात है यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने बहुत लास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। वो ये कि भाई अगर इन्फेक्शन होगा तो सीधी सी बात है डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो कोई भी पायोजेनिक या पायरोजेनिक इन्फेक्शन, अच्छा सर इसमें भी फर्क है क्या भाई, पायोजेनिक, पायो पस, ठीक है, पायोजेनिक का मतलब होता है पस, पायरोजेनिक मतलब फीवर प्रोड्यूसिंग। यार अगर अपने को कभी भी इन्फेक्शन होता है तो आप देखते हो अपने को फीवर आता है, ठीक है। तो या तो पायरोजेनिक इन्फेक्शन हो, फीवर प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन, या पायोजेनिक मतलब जो बैक्टीरिया है वो पस वस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो, ये सब चीजें पता है ना आपको, वैसे नहीं पता तो माइक्रोबायोलॉजी में पता चलती है। तो कोई भी पायोजेनिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पायरोजेनिक इन्फेक्शन होगा तो ऑफकोर्स डब्ल्यूबीसी को बढ़ना ही होगा। ल्यूकोपीनिया आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा यार, या तो आप खाने ही नहीं खा रहे, तो बॉडी को यार सेल डिविजन होने के लिए भी यार चाहिए ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो स्टारवेशन में, मैंने आपको बताया कि यार ये एक तो डब्ल्यूबीसी में बनता है, डब्ल्यूबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में बनते हैं, तो या तो बोन मैरो डिप्रेशन हो, ठीक है। और टाइफाइड के अंदर भी देखा गया ल्यूकोपीनिया होता है, टाइफाइड या पैराटाइ एंट्रिक फीवर जो होता है, और कुछ वायरल
या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में भी ल्यूकोपीनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ल्यूकोपीनिया के कॉजेज थे कि कहाँ कहाँ ल्यूकोपीनिया होता है। अच्छा, अगर अपन बात करें, यार एक कंडीशन और होती है उसको बस ऐसे ही सुन लीजिए, एक होता है ल्यूकेमिया। ठीक है, काफी मतलब चिल वीडियो है, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ से चीज़ें सीखोगे ना, जहाँ से क्वेश्चन आने वाले ना, वहाँ से इन बेसिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मस्त कॉफ़ी के साथ बैठो, शांति से इंजॉय करो। ल्यूकेमिया जो है, ठीक है ना, ल्यूकेमिया एक कैंसरस कंडीशन रहती है ब्लड की, ठीक है, जिसके अंदर मतलब अराउंड TLC मोर देन 50,000 हो जाता है, इतना मतलब कैंसर है, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ही WBC बढ़ जाएंगे, और कुछ इमेच्योर WBC होते हैं, क्योंकि यार इतना जल्दी जल्दी WBC बन रहे तो ऑफकोर्स इमेच्योर ही होंगे, प्रॉपरली मैच्योर तो होंगे भी नहीं। ठीक है, तो एक ल्यूकेमिया की कंडीशन होती है। तो बेसिकली यार ये WBC के बारे में मैंने को आपको बताना था। तो भाई WBC होते कितने तरह के, मतलब WBC ऐसे थोड़ी ना कि सारी एक जैसे होते, देखो WBC को ही कहते हैं ल्यूकोसाइट, सबसे पहली बात तो ठीक है ये पता होगा ना आपको, WBC को ही कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। देखो WBC ल्यूकोसाइट्स, यार कुछ WBC ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ ऐसे जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक होता है अग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट्स की अगर अपन बात करें तो यार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है, दूसरा इओसिनोफिल, इन सबके अपने फंक्शन है, इनका अपना स्ट्रक्चर है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, मतलब बेसोफिल। ठीक है, अग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो देखो यार ल्यूकोसाइट्स होते हैं WBC, लेकिन लिम्फोसाइट्स WBC का एक कैटेगराइजेशन है जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, और ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, और बाकी जो ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, जैसे कि वो मैं बताऊंगा। ठीक है, एक एक जब पढ़ेंगे अपन, एक एक WBC को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा लिम्फोसाइट्स। अच्छा, कभी कभी यार आपको प्लाज्मा सेल्स भी देखने को मिल जाएंगे ओकेशनली, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा सेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ 6 टाइप्स के WBC थे, 6 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो यार होता क्या है, यार ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। वैसे इनका पूरा नाम ऐसा ही है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, इओसिनोफिल, समझ लो, पॉली मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है ना, अलग अलग शेप के न्यूक्लियस। तो इस 6 टाइप्स के अंदर अपने WBC होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ WBC कह लो, और इन्हीं को अपन इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको पूरा ओरिएंटेशन समझ में आया कि अपन क्या करने वाले, अब इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे और इन सबको समझेंगे। तो पहले न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, फिर प्लाज्मा सेल्स, ये क्या है, कैसे एंटीबॉडी बन रही है, तो ये पूरा ओरिएंटेशन रहने वाला है, ये वीडियो भी पूरी ओरिएंट्री है, ठीक है ना। अच्छा, तो यार अगर अपन को इनको पहले पढ़ना है, तो इससे भी पहले यार एक चीज बनती है, वो है कि ये बनते कैसे, ठीक है ना, कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, कभी पूछ भी लेते, कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, बट 99.999% तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका ओरिएंटेशन क्लियर होगा तो चीज़ें इजीली समझ में आएगी। MBBS में बहुत सारे लोगों को चीज़ें इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि वो सब नहीं पढ़ते, सब पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें याद करनी होती है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कुछ ही चीज़ें पढ़ते हो और कुछ ही चीज़ें वही चीज़ याद कर लेते हो और बोलते हो मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऑफकोर्स आ जाएंगे, बट MBBS हार्ड लगेगी क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे। ल्यूकोपोइसिस, पोइसिस से मतलब पता चलता है बनता, जेनेसिस, जेनेसिस मतलब हाउ WBC आर फॉर्म। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं बोन मैरो के अंदर, यार अपने ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, और ये जो मोनोसाइट्स है, ठीक है, ये तो अपने बनते हैं यार बोन मैरो में, ठीक है, और ये जो लिम्फोसाइट्स है और प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, ये जनरली बनेंगे अपने लिम्फोइड टिश्यू में। लिम्फोसाइट जहां बन रहे जिस टिश्यू में, इस टिश्यू का नाम भी रख दिया अपन ने लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू यार अपने लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, और थाइमस हो सकता है, टॉन्सिल्स हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, ठीक है, और कहेंगे जो छोटे छोटे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जैसे कि बोन मैरो, इसलिए ना कुछ लिम्फोसाइट बोन मैरो में भी बनते हैं, वहां भी थोड़ा बहुत लिम्फोइड टिश्यू है। पेयर पैचेस जो अपन GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल में पढ़ते हैं, गट वॉल में, वो मैंने आपको GIT फिजियोलॉजी में पढ़ाया भी है, ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ोगे पेयर पैचेस। तो इस तरीके से यहाँ यहाँ बनते हैं। अब किस तरीके से बनते हैं ये देखते हैं अपन। देखो दो लाइन चलती है, ठीक है, एक तो होती है यार माइलॉइड लीनिएज, मतलब जिसमें मतलब समझ लो ये बनाएगी अपने सारे ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है, और एक है लिम्फोइड लीनिएज,
लिम्फोइड लीनेज, ये बनाती है अपनी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देखो मैंने आपको ना जब आरबीसी पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको इतना बता दिया था, क्या बताया था सुनना, देखो ये जब मैंने आपको आरबीसी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि प्लूरोपोटिन हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ये बनाते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, फिर बनती कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, एंड वो आरबीसी बनाते हैं, मतलब स्टेम सेल्स, फिर कमिटेड स्टेम सेल्स बनते हैं और फिर अपना एक पर्टिकुलर लाइन में चलते चलते आरबीसी बनते हैं। इसी तरीके से ये जो स्प्लीन है ये बनाती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या, ये बनाएंगे दो तरह के सेल्स, एक तो होगा माइलोब्लास्ट, एक होगा मोनोब्लास्ट। यार सीधी सी बात है, माइलोब्लास्ट जो होगा वो सारे ग्रेनुलोसाइट्स बनाएगा, मोनोब्लास्ट जो होगा वो अपने मोनोसाइट्स बनाएगा। ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, तो ये बनाता है मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है, और वो बाद में जाके बनाएंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये अपने लिम्फोइड स्टेम सेल्स, ये आगे जाके बनाएगा लिम्फोब्लास्ट। तो सीधी सी बात है यार, लिम्फोब्लास्ट, और वो आगे जाके अपने बनाएंगे लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये भी आपको शायद पता होगा लिम्फोसाइट्स होते दो, BNT, नहीं पता तो ये भी अपन देखेंगे आगे जा करके। तो धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आगे जाके देखेंगे, अभी कुछ दिखा दो, दिखा कहाँ से, तो भाई धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अच्छा यार, ये भी एक अगर आपको जानना हो तो कि माइलोब्लास्ट से कैसे ग्रेनुलोसाइट्स बने, तो मैं भी इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ करके एक स्टेप, कि देखो माइलोब्लास्ट, ठीक है, ये बनाता है प्रोमाइलोसाइट, ये बनाएगा माइलोसाइट। यहाँ पे डिसीजन होता है कि यार इओसिनोफिल बनेगा कि बेसोफिल बनेगा कि न्यूट्रोफिल बनेगा। ठीक है, फिर आगे जाकर के बनता है मेटामाइलोसाइट, फिर आगे जाके बनता है बैंड फॉर्म, और फिर बनता है अपने न्यूट्रोफिल। लाइक अगर मान लो न्यूट्रोफिल वाली लीनेज चल रही है तो ये बनाएगा आगे जाके न्यूट्रोफिल। तो आ रही है बस समझ में, तो इस तरीके से सेल्स बनते, कोई जरूरत नहीं है, मतलब बस बताने के लिए कि हाँ ऐसी सब चीजें होती है कुछ। ओके यार, अब अपन देखते कि अच्छा, अब अपन को यार एक एक सेल्स पढ़ना है, ठीक है ना। ओके यार, हाँ यार, ये वीडियो देखो, अब जो एक एक सेल्स है ना वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि यार ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें से आपको जनरली एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, वो है कि आपके WBC का नॉर्मल लेवल कितना होता है, ठीक है ना। और हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स में आपको ये पूछ सकते हैं कि ये ल्यूकोसाइटोसिस कब हो रही है, ल्यूकोपिनिया कब हो रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं आपको ब्लड फिजियोलॉजी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपकी हिमेटोलॉजी कवर हो जाए, क्योंकि अगर मैं वो कवर नहीं कर रहा तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना। तो आपके प्रैक्टिकल्स और ये दोनों ही कवर हो जाएंगे, बस आपको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना सीखना है। यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ऐसे होता है MCV MCH, प्रैक्टिकली बेसिस पे भी मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में अपन देखेंगे यार कि ना ये जो मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स बताया, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ये देखेंगे अपन अगली वीडियो में, ठीक है। और उसके अगली वीडियो में अपन देखेंगे भाई लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स जो है वो कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो इसके अलग ही एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग तो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं मेनली अपना न्यूट्रोफिल, ये तो फेगोसाइटोसिस करता है, मोनोसाइट्स फेगोसाइटिस, ये लिम्फोसाइट्स ये फेगोसाइटोसिस नहीं करते, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि इम्यूनिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करती है, इम्यून सिस्टम को, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन आया होगा, और मुझे मालूम है यार कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मतलब मेरा एग्जाम चल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे खुद की पढ़ाई करके आप लोगों को पढ़ाना है यार। MBBS में MBBS करना आसान नहीं है, आप नहीं समझ सकते होंगे, आपको लगता है 10 मिनट की वीडियो है, क्या ही इंसान को टाइम लगता होगा। तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना यार 10 मिनट की वीडियो के लिए, अगर आपको लगता है सिर्फ 10 मिनट का काम किया तो रहने देना, बट प्रैक्टिकली इस 10 मिनट की वीडियो के पीछे 4 to 5 hours की मेहनत होती है, और इवन 2 घंटा भी निकालना यार मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत सारे अपने अपने WBC पढ़ेंगे, और आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना, मतलब बॉडी ने क्या सिस्टम बना रखा है, कैसे अलग अलग सेल्स बना रखे, मतलब सारे WBC न्यूट्रोफिल्स क्यों नहीं है, सारे WBC इओसिनोफिल क्यों नहीं है, समझ लो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा आएगा। और मैं पढ़ाऊंगा, मतलब जिसका पढ़ने का मन नहीं भी होगा ना उसको भी पढ़ा के छोड़ूंगा, मतलब इतना फील ला दूंगा आपको MBBS में। हाँ, तो और सेकंड ईयर भी फिर आपको ईजी लगेगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।